हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो मेरा आज का जो व्लॉग होने वाला है तो वो आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा आगे। तो यहाँ पे हुआ है मॉर्निंग और अभी बज रहे हैं यहाँ पे, हमको निकलना है 30 को, तो आज ही 28। तो आज मैं यहाँ पे सफाई करूँगी बिकॉज़ हमें 1 मंथ के लिए घर जाना है। तो यहाँ पे जितने बर्तन हैं मुझे सारे पैक करके जाने हैं और जितने कपड़े हैं उन पे फंगस ना लगे, इसलिए मैं उनको धूप एक बार धूप दिखा रही हूँ। और यहाँ पे सारी चीज़ें उनको मैं अरेंज करके जाऊँगी, यहाँ पे कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम। और यहाँ पे मैंने दीपक और अपने कपड़े थोड़ा धूप में डाले हैं, इसका गुत्तू का स्ट्रॉलर वगैरह सब कुछ। ये बाथरूम है, बाथरूम को भी साफ़ करके जाना है क्योंकि मुझे आना है 1 मंथ बाद, तो मैं उस हिसाब से अरेंज करके जाऊंगी। और यहाँ पे अपने डोर वगैरह सब साफ़ करके जाऊंगी, फ्रिज वगैरह सब साफ़ करके जाऊंगी। पूरा तो मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ, तो आप स्टार्ट करती हूँ मैं अपना वीडियो। आ चुकी हूँ किचन में सफाई करने के लिए। तो ये जितने कप्स एंड मग्स हैं इन सबको मैं यहाँ पे बंद करके जाऊँगी। तो होपफुली ये शायद मैं जितने मोटे मोटे बर्तन हैं बड़े बड़े वाले उनको सबको ऊपर बंद करके जाऊँगी। और ये कप मैंने निकाल दिए, ड्रॉर खाली किया है, उनको वहाँ पे शिफ्ट करूँगी। और मैं यहाँ पे अपना किचन ऑलमोस्ट यहाँ पे खाली कर चुकी हूँ। और थोड़ा बहुत सामान है, मसाले के डब्बे उन्हें धो के और जितने डब्बे थे उन्हें सब पैक करके मैं यहाँ पर गई हूँ। जा रहे, तो मैंने यहाँ पे सारा क्लीन कर चुका है, अपने पीछे मेरे देख ही सकते हो, फ्रंट साइड में मेरी मंदिर है। और ये मैंने पूरा ऐसे कवर कर चुका है, तो ये मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि बारिश आएगी तो बच जाएगा ये मेरा। उधर मैंने लगा चुका, तो हमारी पैकिंग हो चुकी है। एक बैग हमने वो रखा है, ये मैं सारा कवर करके जा रही हूँ, सारा सामान मैंने हटा चुका है। एक बैग ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। और यहाँ पे हम ले रहे हैं गुड्डू की वीडियो क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है, तो मुझे सारी वीडियोस और फोटोज चाहिए, मुझे सारी चाहिए। ये लग गुत्तू की तो क्यूट लग रहा था ना, ये सारे निकालनी है मैंने इसकी बैग्स, इसलिए आपको मिलते हैं मॉर्निंग में। फिर 30 तारीख फाइनली हो चुकी है और जिसका मैं बहुत टाइम से वेट था। ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 5:30 और हमारा है 8 o'clock से ट्रेन हमारी मडगांव से, तो हम यहाँ से कैब करके जाएंगे। और अभी टाइम हो चुका है 5:30 हो रहे थे। भैया आप लोग बहुत पार्टी करते हैं। गोवा की रोड फाइनली हम अपने
डेस्टिनेशन जगह पे पहुंच चुके हैं, हम बैठ चुके हैं, हमने अपना सामान रख चुका है और हम जो ट्रैवल कर रहे हैं थर्ड एसी ट्रेन से कर रहे हैं गोवा मडगांव टू निज़ामुद्दीन दिल्ली। तो यहाँ पे हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, क्या क्या खाने को मिलता है, तो वो सारी वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी, आप इंजॉय करते रहना। बाप ले गुतु, माय गॉड, ओली 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 गुतु, ओली स्टाइल मार रही है, स्टाइल ओरी स्टाइल ओरी। अच्छा बॉर्डर है नहीं कर्नाटका का है ना, नहीं
मेरे लिए भी चाय बना दे। हाँ चाय बनाना मेरे लिए भी। गिर गई। गुड्डू माता जी, हेलो, कैसे है? हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आया है अलाया के मासा जी से मिलने के लिए, उसने हमें पिकअप किया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लंच किया। लंच के बाद अब हम चलते हैं घर की साइड। हमने लंच वगैरह मंगाया, साथ में हम लोगों ने फोटोज़ क्लिक करी और हम मिले हैं 4 मंथ बाद। आफ्टर 4 मंथ के बाद हम लोगों ने यहाँ पे गैदरिंग करी है और उसके बाद वो जाता है अपने डेस्टिनेशन पे और हम जाते हैं घर की और। फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे कोटद्वार और यह है कोटद्वार का देवी मंदिर। और देवी मंदिर से जाने से पहले मुझे यहाँ पे कुछ मिठाई लेनी है घर जाने के लिए, तो यहाँ पे बीकानेर की शॉप है, तो यहाँ से मैंने मिठाई ली और उसके बाद यहाँ पे मैंने गोलगप्पे खाए काफ़ी टाइम बाद। तो अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, फिर अगले दिन मैं अपने जाऊँगी मायके। तो सब मेरा बहुत ज़्यादा, मेरा तो नहीं लेकिन अलाया का बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे हैं, उससे मिलना है। 4 महीने हो चुके हैं, उससे कोई मिला नहीं अभी तक। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपनी, मतलब मैं अपने ससुराल पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया है यहाँ पे डिनर, आज हम बहुत थक चुके थे तो आज हमारे लिए रेस्ट टाइम था। और यहाँ पे अब हम सब जा रहे हैं सोने। गुड नाइट, बाय बाय।